गाड़ी भी अपनी ब्लू, ये भी ब्लू। वाह मम्मी मेरी 4 करोड़ वाली लाया पहले वाला बटन। हाँ बस हाँ देखो दोनों हो जाएंगे इससे बन। ये देखो भाई इसका ऑटो पार्किंग खुद से ही स्टीयरिंग चल रहा है, मैं हाथ भी नहीं लगा रहा। हाँ जी सर जी किद्दा फिर। अरे तेरी जीभ बाहर क्यों लटक रही है, देखो ना। ओह ये क्या भाई, ये कौन सा एलियन है तू, है कौन से ग्रह से आए हो भाई? ओ भाई साहब कौन से गोला का प्राण नहीं हो तुम, कौन से गोले से आए हो हैं, गोले से आए हो हैं? एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 9 जुलाई 2022, मैं हूँ अभी गुड़गांव में। सॉरी 9 नहीं 8 है भाई, डेट का कुछ आता पता नहीं रहता आजकल। चलो भाई ब्रूनो बस। ये क्या परेशानी क्या है तेरे को छुटकन, मैं जैसी खड़ा होता हूँ तू इतने जोश में क्यों आ जाता है? बदतमीजी नहीं मेरे सामने, बदतमीजी नहीं मेरे सामने, समझ रहा है? बदतमीजी नहीं। एक नंबर का इडियट फूल है। अरे यार अंधेरा भी हो गया, यहाँ खड़ी है साड़ी BMW X7, लेकिन हम जाएंगे अभी थियागोविच। तो भाई अब हमें बाहर खड़ी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर आएगी नहीं, आ जाएगी, बट निकालने और डालने में फिर थोड़ी दिक्कत आती है। यार मेरे फोन की बैटरी 2% बची है और मैं कोई केबल भी नहीं लेकर आया यार, शिट, वरना गाड़ी में चार्ज कर लेता, व्लॉग कैसे होगा। तो इन दोनों एलियंस को हमने उठा लिया और अब हम लेने आए हैं केक। यही वाला अच्छा है, यही खाएंगे ऊपर से। ये नहीं है बहुत वनीला, प्लेन प्लेन है ना भाई, पार्क प्लेन है ना, ये कौन सा लेना चाहिए? थी आए सेम ही तो है वो फ्लेवर, ये देखना इसमें ऊपर चॉकलेट भी और नीचे बटर स्कॉच है, शायद मस्त लगेगा। ये वाला 300 रुपए का। ये बटर स्कॉच नहीं है, दूसरा फ्लेवर है। कौन सा फ्लेवर है भाई? सेकंड नंबर वाला टॉफी। कौन सी टॉफी ली थी? अपने बर्थडे पे ली थी, स्कूल में बांटी थी तूने। तो अब तो तेरा बर्थडे थोड़ी, कब आता है तेरा बर्थडे? अभी तो नवंबर में है। अच्छी झूठी। तो इसकी जगह फाइनली जो यहाँ रखा था वनीला और चॉकलेट फ्लेवर वो लिया है। पैटीज उठा ले मेरी, केक ये ले लिया है और मैंने अपने लिए फाइटीज भी लिया है। कोई हाथ नहीं मारेगा मेरी पैटीज में, आग लगा दूंगा वरना। वो तूने भी लिया अपनी अलग। वाह तो यार असल में सीन क्या था, डिलीवरी में मम्मी पापा गए नहीं थे और यहाँ से डिटेलिंग बुल में भी मम्मी पापा नहीं थे, तो केक जाओ दोनों जगह पे कटा है, बट मम्मी पापा ने नहीं आया था। एक बार घर पे भी काट लिया जाए ना अपनी BMW X7 का केक है ना। और क्या मेरी है एक, ये केक पकड़ो ढंग से पहले। लाओ जी थैंक यू सो मच पार्ट। अब हम खाएंगे अपनी पाइटीज। चार्जिंग ही खत्म हो गई भाई मेरी उस टाइम पे, अब घर आके चार्ज किया फटाफट केक काटते वाले। जल्दी लाओ, वनीला है चॉकलेट नहीं है, वनीला है, झूठ कितना बोल रही है बदतमीज। चलो 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 पार्थ, ये बनियान तो अंदर कर ले। तो अंदर बताओ, अंधेरे में इतना भार यहाँ पे, कह रहे गाड़ी के ऊपर ही काटेंगे, पूरी फील आनी चाहिए कि हाँ केक कट रहा है डिलीवरी पे। वाह देख रहे हो लोगो देख रहे हो भाई लोग, पैसा ही पैसा पार्थ, पैसा ही पैसा। ये देखो जी हम ये वाला केक लेकर आए हैं और लिखवा भी दिया ब्लू कलर में ही BMW X7, गाड़ी भी अपनी ब्लू, ये भी ब्लू। वाह आओ जी आओ काटो, पापा तो सो गए हैं। चलो 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 फटाफट, मैंने तो बहुत केक काट लिए। कोई नहीं मम्मी यार ऐसे शर्माओ ना, पार्थ काटेगा ठीक है, पार्थ काटेगा। चलो चीशू और पार्थ काट लेंगे। चलो भाई पार्थ आ गया फटाफट, आ गया जल्दी आ गया। हैप्पी बर्थडे, नहीं हैप्पी बर्थडे नहीं। चलो अपनी BMW X7 फाइनली आ चुकी है, काटो काटो हैं पार्थ। ओए होए काटो काटो मम्मी जल्दी काटो यार फटाफट, गर्मी हो रही है बाहर तो बहुत तगड़ी। चॉकलेट नहीं है और नीचे से वनीला, ऊपर ऊपर चॉकलेट है, मस्त लग रहा है केक। पार पार्थ का भी काम कर दे, जिंदगी में नहीं हो सकते है तो। ये क्या कर रहे हो मम्मी, ये क्या कर रहे हो, क्यों उसका भुर्ता बना रहे हो? आए हाय बेटा मैं फिर आ गया ना अपनी फोन में, उसको पूरा केक को तेरे मुंह पे मसल दूंगा अभी। हाँ तो भाग जा फिर दूर। BMW एक और, अरे मम्मी मेरी 4 करोड़ वाली लाया, कई बात है सीधा हेलीकॉप्टर लाएंगे। The next morning. दोनों सेम ही है देखो, ये फीमेल वर्जन है वो मेल वर्जन है, वही तो कह रहा हूँ बस, देख रहे हो बिल्कुल शक्ल तो बिल्कुल, नाक तो सेम है दोनों की, ब्रूनो कुछ भी उसकी काली है, काली है वो। चलो जी मैं तो हो गया हूँ रेडी बिल्कुल, आ जाओ अंदर, चल अंदर चल एसी में, चलो बैठ जाओ आराम से। पापा को अभी जो नई वाली गाड़ी है अपनी, इसकी डिक्की है दरवाजे खोलने नहीं आते, तो वही सिखा देता हूँ। चाबी लेके पास जाओगे पहले तो दरवाजा तो ऐसे ही खुल जाएगा, कुछ दबाना नहीं पड़ेगा। देखो जाओ पास जाओ, आगे जाओ पहले, हाँ अब कोई भी दरवाजा खोल लो, देखो हाँ खुल गया ना, खुद से लाइट जली, अब खोलो दबाओ कोई भी हैंडल खींच दो, खुला हुआ है अभी सारा। इसमें क्या है लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं, बस चाबी पास गई तो अनलॉक हो गई, चाबी जैसी दूर जाएगी गाड़ी लॉक हो जाएगी। अब डिक्की देखो, अब डिक्को में देखो पैर से भी हो जाता है, इसमें है ना ये बटन दे रखे, यहाँ देखो हाथ डालो बटन अंदर ऐसे दबाओ उसे, बस छोड़ दो बस हट जाओ, बस खुल गया। ये अब ये वाला खोलना होता है, ये भी इसके लिए ये दो बटन है ना, ये पहले वाला दबा दो देखो वो खुल गया, अब ये खुल जाए, बस छोड़ दो दबा के खुल गया। अब जैसे ये सामान निकाल दिया,
सामान निकालने के बाद क्या है, ये वाला बटन पहला वाला है ना डिक्की वाला, ये दबाओगे तो दोनों बंद हो जाएगा, बस साइड हो जाना दबाते ही। चलो पहले सामान निकाल लेते हैं सारा। ये उस दिन हम आटे की थैलियां लेकर आए थे अपनी बहन के घर के वहां से, तो वो ये क्या चीज है स्प्रे में ये कहाँ से आ गया स्प्रे? अच्छा ये वो रहा, उनका ना रह गया, और डिटेलिंग बुलवा लोगा इसी में, जब मैं पीपीएफ के लिए देकर आया था। चलो इसी में रहने देते हैं। और ये अपना एक्सेसरीज का पूरा बैग है जो हमने साथ लगवाई थी, पहले वाला बटन। हाँ बस, हाँ देखो दोनों हो जाएंगे इससे बंद तेज। हाँ जब ही तो बस दबाते ही हट जाओ साइड, समझ गए ना। वैसे तो इसमें ये भी है, जैसे कोई हाथ में कुछ सामान हो मान लो, तो नीचे बस ऐसे करो और साइड हो जाओ अपने आप। चाबी है ना, पास लाओ थोड़ा। अच्छा मम्मी बैठी है, तो अंदर कोई बैठा हो फिर नहीं खुलेगा, फिर तो बटन से ही खोलना पड़ेगा। अगर कोई ना बैठा हो तो सीधा पैर करो, खुल जाएगा बटन। पता चल गया ना ये वाला, क्या कह रहे थे तुम? इसमें देखा। हाँ एक गणेश जी की मूर्ति दी थी छोटी सी हमें एक सब्सक्राइबर ने, बट वो मिल नहीं रही है मेरे ख्याल से, इसमें ना रख दी हो डिटेलिंग बुल वालों ने। इसमें इसमें होगा, हाँ इसमें पड़ी थी, उन्होंने करी होगी ना। हटो यहाँ, इसमें ना देखना। हाँ ये रही ना, निकाल लो ये, हमने तो ये शिव जी की लगा ली है ऑलरेडी, तो ये रख लो अंदर मंदिर में रख लो ये। और ये डैश कैम भी इसमें इंस्टॉल करवाना, वैसे तो इस गाड़ी में भी इतने कैमराज है, बट एक एडिशनल डैश कैम भी लगाओ ना तो थोड़ी सेफ्टी रहती है। सही सामान इसमें भाई काफी आ जाता है डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ना। और ये मम्मी ने मैक्रोनी बना के पैक कर दिया, खा लेंगे हम रस्ते में ही। और सबसे बढ़िया चीज लगती है भाई सॉफ्ट डोर क्लोज, ये देखो जैसे हल्का सा बंद करा ये अपने आप बंद हो जाता है गेट। हाय 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 मजेदार लगता है, कितनी बार दिखा चुका वैसे मैं ये चीज, है ना। देखो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक बंद, उंगली मत दे देना यहाँ पे कहीं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई मूवी देखने के लिए जुग जुग जियो, बहुत दिन से प्लान बन रहा था बट देख ही नहीं पा रहा था। और एक खुदा हाफिज भी आई हुई है उसका पार्ट टू, वो भी देखना, बट वो थोड़े दिन बाद जाऊंगा। आज थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे दिन में, मैंने कहा चलो मूवी देख ही आते। और ऑब्वियसली बात है भाई नई गाड़ी घर में आई है तो यही लेकर जाऊंगा अब, है ना। वैसे भी एम्बियंस मॉल जाना है तो वहाँ पे पार्किंग का इतना इशू होगा नहीं, आराम से हमारी फिट हो जाएगी गाड़ी। और अभी इसकी हाइट ना नीचे कर रखी है मैंने, इसलिए आपको पीछे से थोड़ी छोटी गाड़ी लग रही होगी। अभी इसको उठाता हूँ, देखो ये वाला जो बटन है ना इसको दबाना होता है, बस ऊपर फुल पे कर देता हूँ। अब देखना गाड़ी कैसे उठेगी, यहाँ से नोटिस करो उठ रही है ना भाई, ये देखो कितना गैप आ गया ऊपर का। ओए होए होए भाई अभी और उठ रही है, कितनी ज्यादा उठ जाती है यार। और अब देखो पीछे से पूरी लुक आ रही है ना ऊंची गाड़ी की उठने के बाद सस्पेंशन, बड़ी सही चीज है भाई। अब फटाफट निकलते हैं यार, ज्यादा देर नहीं करनी। फिर जब तक दिल्ली के जाम में फंसे हुए, मैंने सोचा चलो एक छोटा सा Q&A कर लेते हैं। लास्ट तीन चार ब्लॉग से काफी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो एक भाई अपने पूछते कि आपने BMW में कैप्टन सीट क्यों ली, बेंच वाली सीट क्यों नहीं ली। तो यार देखो इंडिया में जो X7 के वर्जन आते हैं ना वो सिर्फ कैप्टन सीट के साथ ही आते हैं। मैंने एक अनमोल गैराज पे भी टॉपिक कवर किया था ऑलरेडी US वर्सेज इंडिया का, तो भाई US में आपके पास बहुत सारे कस्टमाइज वाले ऑप्शन है, कुछ कुछ आप डलवा सकते हो हटवा सकते हो, बट इंडिया में वो सब ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ये। मेरे को पर्सनली खुद बेंच सीट ज्यादा पसंद है, क्योंकि भाई फैमिली जब बड़ी हो ना तो बेंच सीट में तो तीन बंदे आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं बैठ पाते, इसमें दो ही बैठ पाएंगे। हालांकि इसमें कंफर्ट ज्यादा अच्छा है, दो लोगों का आराम से आप रिक्लाइन करके सोते हुए जा सकते हो, तो हर चीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। लो जी पहुंच गए हैं एम्बियंस मॉल, थोड़ा सा लेट हो गया है, जल्दी जल्दी घुसना पड़ेगा बंदा। क्या दूं? सब कुछ तो है इसके पास, सेल्फ मेड जो है। अरे क्या दूंगा क्या मतलब। चलो जी होम स्वीट होम, उतरो जी सारे पैसेंजर्स जल्दी जल्दी और टिकट कटवाओ अपनी अपनी। भाई अभी अभी घर आया था और 8 बजे फिर हम निकल रहे हैं दिल्ली श्री बंगला साहिब। बहुत टाइम से माना हुआ था कि आएंगे आएंगे, और अब फाइनली नई गाड़ी आ गई, तो मैंने कहा चलते हैं पूरी फैमिली के साथ और मत्था टिकाएंगे। अब क्योंकि केशव है नहीं तो पापा को घर पे रुकना पड़ रहा है ब्रूनो के साथ में, बाकी हम सब लोग चल रहे हैं। आगे करो पकड़ के सीट, हाँ बस छोड़ दो, अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो अपने आप। ये देखो भाई इसका ऑटो पार्किंग, खुद से ही स्टीयरिंग चल रहा है, मैं हाथ भी नहीं लगा रहा, और मस्त देखो कितनी सही एक्यूरेट वाली पार्किंग है। और इस वाली में तो भाई ना गियर भी नहीं बदलना पड़ता, क्या कहते हो इसका ट्यूटोरियल दिखाया जाए अनमोल गैराज पे एक बार, देख रहे हो अभी आराम से लगा देगा, अभी कहेगा पार्किंग पे लगा दो, हो गया अपना। चलो जी बिना कुछ टच करे, चलो जी उतरो उतरो। तो पहले भाई हम आए हैं छतरपुर मंदिर, छतरपुर में ही है जो ऑब्वियसली, तो फिर उसके बाद जाएंगे हम बंगला साहिब, क्योंकि ये मंदिर फिर आते वक्त बंद हो जाता, हमें जाना दोनों जगह ही था ना, इसलिए पहले सोचा यहाँ आ जाएंगे फिर जाएंगे बंगला साहिब। हेलो पार्थ की हाल चाल, तुम यहाँ कैसे, तुम्हें कौन ले आया यहाँ पे, किसके साथ आया तू? मेरे साथ नहीं आया, गाड़ी में नहीं आया मटके। आज वैसे होपफुली इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होगी यहाँ पे, मतलब आज क्या है मंडे है ना। मम्मी आज लास्ट सीट पे बैठ के आई है, कैसी है कम्फर्टेबल है सीट पीछे, सही बैठ सकते सबसे लास्ट सीट में बंदा। चलो जी मम्मी और मामा बैठे थे दोनों बड़े, और पार्थ भी बैठा था, तो सोचो तीन लोग
कुछ नहीं है, चलो चलो जल्दी चलो यार, सब कुछ बंद हो जाएगा इतने में। कहाँ 2 बजे कहा था, कहाँ हम आए 8 बजे घर से, ऐसे ही होता है हमारा। 9 बजे यहाँ 9 बजे पहुँचे। देखो बोला था ना आज भीड़ नहीं होगी, वरना लाइनें भाई बाहर तक लगी होती है यहाँ पर। चप्पल घर से ही देख लो, चप्पलें नहीं है ना ज्यादा, मतलब भीड़ भी नहीं है ज्यादा। भाई साहब सच्ची बता रहा, नवरात्रों में ऐसी तगड़ी भीड़ होती है ना, यहाँ पर एक पैर रखने की जगह नहीं होती। और आज देखो कितना खाली है, तो ऐसे टाइम पे मस्त दर्शन हो जाते हैं ना। पर हम तो आते थे ना नवरात्रे को, नवरात्रों में भी और नवरात्रों के बाद भी बहुत भीड़ होती थी, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली। अब देखो बिल्कुल खाली, मजेदार, चट से। भाई आजकल तो मंदिर भी एडवांस हो गए, अंदर डेबिट कार्ड से भी आप मतलब दक्षिणा दे सकते, दक्षिणा कहते हैं चढ़ावा जो भी है, और पेटीएम यूपीआई भी कर सकते हो दान। भाई साहब है ना, सही है, पहले तो कैश करना पड़ता था। गाड़ी भाई सब दूर से ही देखने में अलग ही मस्त लुक आता है, देखना सब गाड़ियों से अलग स्टैंड आउट कर रही है बिल्कुल। काफी लेट हो चुके भाई, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा बंगला साहिब के लिए। वैसे वो कह रहे बंगला साहिब जी जो है पूरे रात, मतलब पूरे दिन रात खुलता है, अब देखते हैं चल के वहाँ पे। पीछे चल जल्दी जल्दी। ये देखो भाई पीछे से है इसकी जो मेन वो है ना, मतलब पार्किंग के लिए नीचे, आगे से तो सिर्फ जो बस वाले हैं वो ही जाते हैं। बस वाले मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, मेट्रो बस से, वो आगे उतर जाओ अपना और वहाँ से सीधा एंट्री कर लो। गाड़ी लगा दिया, मस्त पार्किंग बनी हुई है बंगला साहिब की ना, 2 फ्लोर की है शायद से, हम सेकंड वाले पे नीचे। अच्छा नहीं, ऊपर है भाई नीचे, देखो वही हो। चलो जी दर्शन कर आए, अंदर भी वीडियो अलाउड नहीं थी बनाना। बाय बाय पार्थ। चलो जी हम भी पहुंच गए बस यहाँ से, घर 5-10 मिनट का रास्ता है। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना पीता। बाय।